हेलो दोस्तों, सो दिस साइड अखंड। और आज चल रहे हैं हम लोग एक मंदिर। मैंने गूगल पर सर्च किया, वहाँ जा रहे हैं और वहीं पे बगल में कोई एक तालाब भी है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो ऐसे ही आज मैं मतलब रैंडम मंदिर जाने वाला हूँ और उसको मैं एज अ व्लॉग में ऐड करूँगा, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा कि इस चीज़ को मैं कंटिन्यू रख पाऊँ, रोज आपको कोई ना कोई एक नए मंदिर का दर्शन दे सकूँ, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे मंदिर हैं और सबने सारे मंदिर नहीं घूमे, ठीक है। तो मतलब होता क्या कि मुख्यतः जैसे कि अगर आप बनारस जाओ, पनकी मंदिर में आओ, कहीं पे भी आओ, तो पनकी मंदिर के मुख्य मंदिर हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं। बाकी जो ठीक ठाक अच्छे मंदिर हैं वहां कोई जा ही नहीं पाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि पनकी मंदिर तो आप लोगों ने देख ही लिया हमारे व्लॉग्स में, अब हम जा रहे हैं एक और मंदिर है जो बहुत अच्छा है। उनके मतलब कि कुछ के तो नाम भी हमें नहीं पता है, तो वहां जाके नाम पता करेंगे, सब कुछ करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि वो मंदिर कैसा है, कैसा दिखता है, किस जगह पे बना है, कहाँ पे है। तो चलिए, पनकी में ही है तो गूगल पर सर्च किया है, सीधे चलते हैं मंदिर पे। सो गाइस, अब हम लोग घर से निकल लिए हैं, ठीक है, और जा रहे हैं मंदिर पे। तो वहाँ पे एक तो कछुआ तालाब है जो मुझे पता है, और दूसरा मतलब एक मंदिर है, और वो मंदिर किन का है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। वहाँ पे बेसिकली एक भगवान का मंदिर नहीं होता है, उसमें कई सारे भगवान होते हैं, मुख्यतः एक भगवान रहते हैं उसमें जिसकी जिनकी बड़ी मूर्ति होती है, बाकी सबको भी मीन्स वहाँ पे स्थापित किया जाता है। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग निकल ही रहे थे तो पनकी में आए हुए हैं, और पनकी मंदिर आपको ना दिखाया तो अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ से मैं आपको बाहर से इसके दर्शन दिखा देता हूँ। ये रहा मुख्य पनकी मंदिर, ठीक है, मतलब मेन गेट, मीन्स मेन गेट तो उस साइड है वहाँ पे, दूसरा गेट ये रहा और एक गेट, ये एक गेट और है जो शायद उस साइड पड़ता है, इसी के ही आगे है यहाँ पर। टोटल चार गेट हैं इसके, और जो कछुआ तालाब बताया जा रहा है वो इसके पीछे पड़ता है, तो वहाँ पे भी जाना है। और एक सामने आगे जाके ना एक मंदिर पड़ता है जो मतलब एक छोटा सा मतलब मेन रोड से अंदर जाके है, ठीक है, और उसका मीन्स काफ़ी बड़ा मंदिर दिखता है बाहर से। जब मैं स्कूल टाइम पे था ना तब तो वहाँ दिखता था, अब मुझे पता नहीं कि मतलब वो है किसका। मैं बचपन से आज तक गया ही नहीं कभी वहाँ पे, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने आपको बताया भी कि मुख्यतः जब कहीं पे आप जाते हो, जैसे पनकी मंदिर है तो पनकी हनुमान जी के मंदिर के लिए फेमस है, लेकिन जो भी उससे छोटे मंदिर है ना उनको कोई मतलब देखता ही नहीं। तो आज हम उनको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वैसे ही वाराणसी में जाते तो आप मुख्यतः मेन मेन मंदिरों में जाएंगे, बाकी छूट जाते हैं। तो वैसे ही चलते हैं यहाँ पे और आपको दिखाते हैं वाला मंदिर कौन सा है, मुझे भी नहीं पता उसमें है कैसा, ठीक है, चलिए देखते हैं। और यहाँ पे हमारे सामने है आदित्य मंदिर, शिव मंदिर। मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, फिर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। ये रहा आदित्य मंदिर, और ये रास्ता अंदर जाने का। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कैसा ये मंदिर बना हुआ है। गाड़ी शायद बाहर ही पार्क होगी। तो गाइस, आदित्य शिव मंदिर पनकी कटरा कानपुर नगर। मंदिर रविवार से बुधवार तक 12 बजे से 2:30 बजे तक बंद रहता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा मंदिर है ये। तो मंदिर के हम लोग अंदर आए तो पहले तो शिव जी की मूर्ति एक बनी है पेंट, बाकी यहाँ जालियाँ बनी है, दिखाता हूँ आपको। तो ये है, यहाँ पे एक जाल टाइप का बना हुआ है, जैसे कि आप बस मेन रोड से इसी रोड से ही जा सकते हैं अंदर तक मंदिर तक। ये रहा मंदिर, और पहले मुझे अच्छे से याद है ये काला काला मीन इसका जो टॉम्ब होता था वो काला काला दिखता था, अब थोड़ा साफ दिख रहा है। चलिए देखते हैं अंदर चल के मंदिर कैसा है। यहाँ गऊ पालन टाइप का रखा गया है, और चलिए चलते हैं मंदिर में। तो दोस्तों, हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं और थोड़ा सा मतलब हम लोग ने केवल अगल बगल घूम के देख लिया कैसा बना हुआ है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका एंट्री पॉइंट कैसा है, कहाँ पे मुख्यतः मंदिर है, अभी हम अंदर नहीं गए, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखी हैं मुझे। ये इसका एंट्री पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से हम लोग इधर आए हैं। थोड़े पत्ते बहुत सारे हैं, पतझड़ का मौसम है तो मतलब सफाई नहीं हुई है। और ये रहा आते ही यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है जो मूर्ति स्थापना हुई है। खड़ाऊ भी रखी है, और इस मंदिर के बगल में मतलब छोटा सा ग्राउंड टाइप का ही है, ठीक है, यहाँ पे कपड़े पहनने कुछ लोग रहते होंगे यहाँ पे। ये छोटा सा वॉशरूम टाइप का बना हुआ है इधर, यहाँ पे है कुआं, और ये एक छोटा सा ग्राउंड है, और ये रहा मंदिर। सो यप, जो मैंने फोटो मुझे यहाँ से दिख रहा है मंदिर शिवलिंग, और जो मैंने फोटो देखी थी पूरी वैसी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी फोटो है, चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं, ठीक है, आइए।
बोतल उतार दिया जाए। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मंदिर ऐसा है कुछ, बाहर से ऐसा दिखता है। और अब अंदर चलते हैं। जय हो। वाव, मंदिर थोड़ा गूंज रहा है, ठीक है। मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। मुझे पता नहीं था ना, मैं कई बार आया होता यहाँ पे। अब आगे जरूर आऊँगा, कोशिश करूँगा। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ शिवलिंग कैसे हैं। और यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, नंदी बाबा हैं, सारे देवी देवता तो मुझे लगभग दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है शिवजी जी की मृतक की शिवलिंग, जिन पे मतलब आपको शिव जी की मतलब प्रतिमा भी दिखती है जो ऊपर बनी हुई है। शायद पंचमुखी या 6 मुख हैं इनके, 3 4 5 पंचमुखी हैं। और ये शिवलिंग बहुत बड़ा है, ठीक है। और एक छोटा सा यहाँ पे इधर भी शिवलिंग बनाया गया है, ठीक है। और उनके ऊपर शायद ये है गंगा माँ और ये वासुकी नाग त्रिशूल। फिर अगर इधर आते हैं, नंदी बाबा बने हैं, इधर नंदी बाबा बने हैं। और ये लेट मीन्स निद्रा के पोज, मीन्स पोज में मतलब गणेश जी को बनाया गया। और ये काली माँ है, ये गणेश भगवान है, ये दुर्गा माँ है, ये दुर्गा माँ है, ये विष्णु जी हैं, ये सरस्वती जी हैं। तो मतलब मुख्यतः ये टेंपल बहुत खूबसूरत है, बस थोड़ी सी मतलब सफाई की ज़रूरत है यहाँ पे, लेकिन बाकी मुख्यतः बहुत खूबसूरत है टेंपल। और इसका अगर मैं ऊपर दिखाऊँ आपको तो कुछ ऐसा दिखता है ये, यहाँ पे ईंटें दिख रहे हैं। बाकी टेंपल बहुत खूबसूरत है ये। मैं कैसा लगा अगर आप देखना चाहें तो, मतलब शिवलिंग कितना तो मुझसे तो बड़ा ही, ठीक है। और ये आश्चर्यजनक बात है, मतलब आए ही नहीं। हाँ मतलब कोई नहीं आया, मतलब ईशा भी बोल रही है कि यहाँ पे हिंदी को ज़्यादा अच्छे से बोल रही है। आश्चर्यजनक सी बात है, यहाँ पे कोई आया नहीं। लेकिन हाँ यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन ये बड़ा अजीब बात है, ऐसा क्यों होता है? मतलब इतना अच्छा मंदिर और बहुत कम लोग आते हैं, बता नहीं सकता। मतलब मंदिर तो बहुत अच्छा है, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। और आपको यहाँ पे कुआं भी है, वो भी दिखा देते हैं। तो ये रहा कुआं, इसमें पानी तो है वैसे। इस मंदिर के बगल में कुआं है, और ये रहा मतलब एक छोटा सा ग्राउंड है बगल में, काफी बड़ा है। बस अभी मतलब यहाँ मेरे हिसाब से कुछ काम वाम हुआ नहीं है, थोड़े पेड़ लगा दिए गए हैं और थोड़ी झंकार उगी हुई है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो मंदिर बहुत खूबसूरत है, बस अभी मतलब लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, तो जैसे लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, वरना मुझे ये मंदिर बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं कछुआ तालाब। अभी जो दो बंदे आए थे वो बता रहे थे कि कछुआ तालाब में इस टाइम पर शायद सूखा पड़ा हुआ है, तो चलिए वो भी दिखा देंगे आपको। सो दोस्तों, इस व्लॉग में इतना ही।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे हम लोग चलेंगे कछुआ तालाब देखने, और फिर और भी मंदिर हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, और आपको इस चैनल पे रोज एक ना एक मंदिर आपको दिखेगा। अब मैं कोशिश करूँगा इसको डालने का, कि मैं कोशिश करूँगा कि मतलब रोज़ मैं कोई ना कोई मंदिर डाल सकूँ। तो चलिए, हमने स्टार्ट किया है महादेव से, और देखते हैं कब तक ये सफ़र चालू रहता है।